हरियाणा कांग्रेस में लोकसभा चुनाव के बीच बिगुटबाजी जारी है। सभी सीटों पर उम्मीदवार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी गुट सिरसा तक ही सिमट रहा है। कांग्रेस ने सिरसा लोकसभा से कुमारी सैलजा को उम्मीदवार बनाया तो यहां से गुट प्रचार करता दिखा है। टिकट बंटवारे में कांग्रेस हाईकमान ने भूपेंद्र हुड्डा को जिस तरह से तवज्जो दी उससे एसआर के गुट असहज है और खुद को प्रचार के लिए एक दायरे में समेट दिया है। ये गुट एक दूसरे के नामांकन के समय भी समर्थन में नहीं पहुंचे थे। हाल में कांग्रेस शामिल हुए चौधरी वीरेंद्र सिंह भी सिरसा में कुमारी सैलजा का जो नामांकन था उसके अंदर शामिल हुए थे। उनके बेटे भाजपा के सांसद रहे बृजेंद्र सिंह ने सिरसा में कुमारी सैलजा के लिए भी प्रचार किया था। वहीं दूसरी ओर हुड्डा गुट ने सैलजा के प्रचार से दूरी बनाई हुई है और वह सैलजा को छोड़कर हिसार से जयप्रकाश जैपी के वोट मांग रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम सुशील इंदौरा का है जो इन दिनों सिरसा से ज्यादा हिसार में सक्रिय है। हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा स्तरीय जन आक्रोश रैलियां निकाली थी। इसके समांतर हुड्डा विरोधी खेमे के इन तीनों नेताओं के कांग्रेस संदेश यात्रा शुरू कर पूरे प्रदेश में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के साथ ही जनता के बीच जाने की योजना तैयार की थी। एसआर के गुट की यह यात्रा 17 जनवरी को सैलजा के गृह जिले हिसार से शुरू हुई थी जो 14 फरवरी तक चली। यात्रा का समापन अंबाला की बड़ी रैली के रूप में किया गया था जो पहले कुमारी सैलजा का संसदीय क्षेत्र था। जाहिर है कि पूरे गुट को सैलजा ही लीड कर रही थी। ऐसे में अब सैलजा को सिरसा से टिकट मिलने के बाद इन नेताओं ने खुद को सिरसा तक सीमित कर लिया। इन दिनों हिसार से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश को गुटबाजी का सामना करना पड़ रहा है। एसआर के गुट तो शुरू से ही दूर था, अब चौधरी वीरेंद्र सिंह भी प्रचार के लिए शर्त रख दी है। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि अगर जेपी को उच्चारणा से मेरा व मेरे समर्थकों का समर्थन चाहिए तो वह पहले यहाँ व्यक्तिगत तौर पर आना पड़ेगा, मेरे समर्थकों के बीच बैठना होगा, उनको भरोसा दिलाना होगा कि उनके काम होंगे या नहीं, इसके बाद ही वह जयप्रकाश का समर्थन करेंगे और उनके लिए वोट की अपील करेंगे। जयप्रकाश को उच्चारणा और नांदन हल्के में मजबूती के लिए भी चौधरी वीरेंद्र सिंह का साथ चाहिए। चौधरी वीरेंद्र सिंह का अपना वोट बैंक है। कांग्रेस की गुटबाजी दूसरे उम्मीदवारों के नामांकन में भी सामने आ चुकी है। भूपेंद्र हुड्डा सिरसा में कुमारी सैलजा के नामांकन पर नहीं है। वहीं सैलजा, सुरजेवाला और किरण चौधरी के अलावा वीरेंद्र सिंह ने रोहतक में भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा के नामांकन में हिस्सा नहीं लिया। इस हारशीट से उम्मीदवार जयप्रकाश जयपी के नामांकन में एसआर के ग्रुप नहीं आया था। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदयपान मौजूद रहे थे। मनेरे चैनल के साथ मिलते अगले वीडियो में। धन्यवाद।